मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? हाँ जी, आज हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। लेकिन छोटे, हर लेक्चर की तरह कोई नया चैप्टर स्टार्ट करो। लेकिन उससे पहले भैया रिवीजन का ये कुछ कोई नहीं, रिवीजन करेंगे। लेकिन रिवीजन जो होगा ना, इसी से रिलेटेड रहेगा। हाँ जी, आपको बताना है, इस जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आप फॉर्मूले को किस प्रकार याद रखते हो। जितना अच्छा आप फॉर्मूले को याद रखोगे, उतना अच्छा ये चैप्टर आपसे बनने वाला है, ध्यान में रखना। जैसे मैं आपके सामने कुछ फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, आपको बताना है हर बार की तरह, जो लगातार मैं पूछते रहता हूँ वही फॉर्मूला मैं फिर से पूछूंगा। हाँ जी, आपको बताना है 2 sin x का फॉर्मूला क्या होता, 1 cos x का फॉर्मूला क्या होता, 1 cos x का फॉर्मूला क्या होता, अगेन क्या हो गया, अरे यार कोई नहीं कोई नहीं, अगेन cos 2x का फॉर्मूला क्या होता, 10 2x का फॉर्मूला। भैया जी, ये सब फॉर्मूला याद कर चुके हैं, ठीक, ज्यादा नहीं पूछना है, बस हल्का सा पता तो चले आपको याद है कि नहीं है। sin 3x का क्या होता, cos 3x का, अच्छा जी, अगेन अगेन sec²x - tan²x इसका वैल्यू क्या होता है, sin²x + cos²x इसका वैल्यू क्या होता है, अगेन। भैया जी, वैसे ये सर फॉर्मूला तो काफी हम लोग रिविजन किए, लेकिन सही मायने बताए अभी भी अच्छे से याद नहीं हुआ, यही कहना चाहते हो ना आप? अरे ये फॉर्मूला जितना आप रिविजन करोगे ना, उतना आपको याद होगा, तो डेली आपको फॉर्मूला रिविजन करना है, ध्यान में रखना। अगेन यहाँ पर क्या है, 2 sin x, इसका क्या होगा, इस पर अभी हम लोग गहनता से विचार करने वाले हैं। हाँ जी, पहले इसको देखो, 1 cos x क्या होता है बोलो भैया जी, 1 cos x 2 sin²x/2, 1 cos x 2 cos²x/2, अगेन cos 2x क्या होगा, इसका काफी फॉर्मूला होता है जिसमें से हम लोग कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। एक हो गया आपका cos²x - sin²x, एक हो गया फॉर्मूला आपका इसी का cos 2x का ही, 1 - 2 sin²x, जितना एंगल यहाँ रहेगा उससे आधा एंगल यहाँ रहेगा, इस वाले फॉर्मूले में ध्यान में रखना, ठीक है। इस दोनों फॉर्मूले में जितना एंगल रहेगा उसका आधा एंगल होगा, यहाँ x है तो एंगल में x/2 होना चाहिए, यहाँ 2x है तो एंगल में x 2x का आधा x हो रहा है। हाँ जी, आगे भैया जी यहाँ साइन को अंतिम में किया, अब cos को स्टार्टिंग कीजिए, तो 2 cos²x - 1, ये सब फॉर्मूला ध्यान में रखना। एक tan के फॉर्म में फॉर्मूला होता, क्या होता भैया जी, tan के फॉर्म में फॉर्मूला cos 2x = 4, चार चार फॉर्मूले भैया याद, हाँ भैया जी चारों फॉर्मूला मुझे याद है, वाह छोटे बहुत अच्छे। आगे यहाँ पर क्या होगा, 1 - tan²x / 1 cos²x, हलवा हलवा फॉर्मूला ये सब, ठीक है। अगेन tan 2x का फॉर्मूला क्या होता, tan 2x का 1 - tan²x नीचे में रहेगा, ऊपर में क्या होगा 2 tan x हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम, ना भैया ना ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos²x फिर से हम लोग लिख लिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे sin²x लिख लेते हैं। sin²x का क्या होता फॉर्मूला भैया जी, sin²x का फॉर्मूला, हाँ जी sin²x का फॉर्मूला, इसका हो जाएगा 1 - tan²x, गलत बात मैंने बताया था ना, सिर्फ tan वाले में नीचे में माइनस होता, यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर भी प्लस, सिर्फ tan वाले में नीचे माइनस होगा, इसको ध्यान में रखो, ठीक भैया जी, और अच्छा ध्यान में रहेगा। अगेन ऊपर में क्या होगा, ऊपर में सेम 2 tan x होगा, अगेन sin 3x का बोलना बोलिए, 3 sin x - 4 sin³x, cos 3x का 4 cos³x - 3 cos x, sec²x - tan²x इसका 1 हो जाएगा, sin²x + cos²x इसका 1 हो जाएगा, cosec²x - cot²x इसका 1 हो जाएगा। फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वैसे फॉर्मूला तो बहुत सारा है, कुछ फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर है, ठीक, और भी फॉर्मूला आप खुद से रिविजन करोगे, मतलब वरना मैं तो हल्का हल्का रिविजन हर लेक्चर में करवा ही देता हूँ, कोई नहीं। चलो जी, अभी जो हम लोग इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ने वाले हैं आज, कोई अरे पानी, चलिए इंटीग्रेशन भैया बढ़िया ना आज। हाँ जी, इंटीग्रेशन में याद रखना, जितना डिफरेंशिएट का फॉर्मूला है सारा फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि सब फॉर्मूले का हम लोग उल्टा पुल्टा करने वाले, समझ रहे हो ना भैया जी, उल्टा पुल्टा मतलब क्या हुआ, अरे उल्टा पुल्टा समझो ना, फॉर्मूले का उल्टा पुल्टा। हाँ जी, चल कीजिए भैया उल्टा पुल्टा कीजिए फॉर्मूले का, जैसे आप मुझे बताओगे, हम लोग डिफरेंशिएट में इस 5 का डिफरेंशिएट क्या सीखे थे बताना, अगेन x का डिफरेंशिएट क्या सीखे थे, अगर मैं कह दूं
एक्स पावर एन प्लस वन और बटे एन प्लस वन, इसका आपको डिफरेंशिएट निकालना है तो आप क्या निकालोगे जल्दी से, इस तीनों को बताओ भैया जी। मुझे पहला वाला पता है, दूसरा वाला पता है, लेकिन तीसरा वाला नहीं पता। तीसरा वाला में क्या है जो आपको पता नहीं है? सिंपल सा है, पहले तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट जीरो होता है, ये तो सबको पता है, मतलब 2500 साल पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाँ जी, अगेन एक्स का डिफरेंशिएट करें भैया जी, वन होता वन, ठीक। अगेन हम लोग अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे भैया, हम लोग जानते हैं जो भी अंदर में कांस्टेंट है पहले इसको बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि हम लोग कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। कांस्टेंट कौन कौन है? वन, यहाँ पर n प्लस वन, यहाँ पर n प्लस वन, लेकिन ऊपर वाला n प्लस वन x के साथ है भैया, तब तो वो बाहर नहीं होगा, लेकिन नीचे वाला तो x के साथ नहीं है ना, उसको भले मानुष की तरह बाहर निकाल दो, तो वन बटे n प्लस वन पहले भले मानुष की तरह बाहर आ गए, तो डिफरेंशिएट किसका करना है? x पावर n प्लस वन का डिफरेंशिएट करना है। तो करेंगे इसका डिफरेंशिएट, हम लोग जानते हैं x पे पावर कुछ भी रहेगा, पावर को आगे लाना है, उसमें एक घटाना है, मतलब ये तो होगा, इसको पहले लिख लो, इसे कोई लेना देना नहीं है, इसको लिख लिए। अब इस पर अपना सारा ध्यान आकर्षित करना है, तो यहाँ देखेंगे जो पावर है वो आपका आगे आ जाएगा, एन प्लस वन आगे आ गया, अब पावर में एक घटेगा, तो एक्स है पावर में मेरा एक घट गया, घटा दिए एक, यदि ये क्या झोल कर लिया आप? हाँ सब कुछ तो समझ में आया समझ में आया ना, बस यहाँ एन प्लस वन जो होगा वो उसको उतारो, उसके साथ किसी प्रकार कोई छेड़छाड़ नहीं करना। यहाँ एन प्लस वन, यहाँ एक्स पावर एन प्लस वन माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन कट के सिर्फ एन बचेगा, तो यहाँ एक्स पावर एन बचा, और ये एन प्लस वन और एन प्लस वन दोनों कट जाए, आंसर क्या आ गया? x पे पावर n। कहीं कोई समस्या नहीं भैया जी? एक और बताओगे आप, डिफरेंशिएट ऑफ e पर पावर x क्या? भैया जी बहुत अच्छी बात है, हमको आता है डिफरेंशिएट ऑफ e पर पावर x, आता है ना, क्या होता है e पर पावर x? बस और क्या होता है? कुछ ना होता। अगेन इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालना सीखेंगे, इतना ध्यान दिमाग में बैठा लो, इंटीग्रेशन और कुछ नहीं डिफरेंशिएट का उल्टा है, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में ही हम लोग उल्टा पुल्टा करने वाले। हाँ जी, अपने दिमाग में ये बैठा लो, जो भी डिफरेंशिएट होगा उसका उल्टा है, और अभी से डेली फॉर्मूला रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, फॉर्मूला जितना अच्छा आपके जुबान पर रहेगा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है? अब भैया जी हम पहले फॉर्मूला लिखिए बताइए तो सही, बाद में ना फॉर्मूला अच्छे से रिवीजन करना है। हाँ जी चलिए, यहाँ देखो हम लोग उल्टा करेंगे, जिसका डिफरेंशिएट हुआ अगर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। वाह भैया जी क्या ही बोल दिया, मतलब अगर हम लोग जीरो का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा? भैया जी यहाँ पर जीरो का इंटीग्रेशन पांच निकला है, पांच क्या है? कांस्टेंट टर्म है, आप किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट निकालो ना, किसी भी कांस्टेंट टर्म का, सात का ही निकालो तो जीरो निकलेगा, भैया जी दस का निकालो जीरो निकलेगा, कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाए, सी मेरा कांस्टेंट टर्म है, सी का निकालो तो जीरो निकल जाएगा। हाँ कहीं कोई समस्या नहीं, इसका मतलब जीरो का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा सी हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन इस डिफरेंशिएट को खत्म कर देता है, समझ रहे हो ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट को खत्म कर देता है, मतलब यहाँ पर सिर्फ सी हुआ तो जीरो का इंटीग्रेशन सी हो गया, इसको दिमाग में पहले बैठा, जीरो का इंटीग्रेशन सी, जीरो का इंटीग्रेशन सी, सी मेरा क्या है? कोई भी कांस्टेंट टर्म है, वो मेरा दस हो सकता है, सात, पांच, छह, सात, एक सौ, 150, कुछ भी हो सकता है, उसका जो भी आप डिफरेंशिएट निकालोगे सी का वो ऑलवेज जीरो ही निकलेगा। बातें समझ में आई? कभी भी एग्जाम में दे दे ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल मिलेगा आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ जीरो, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको बताना है कि सी होने वाला है। चलिए ये तो आसान है, इसको हटाओ, अगेन आगे देखते हैं, आगे क्या है भैया? आगे हम लोग डिफरेंशिएट किए कि x का डिफरेंशिएट वन होगा, सबका मालिक एक है, तो अगर एक का ही इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा रिजल्ट ऐसा जाएगा। किसका इंटीग्रेशन? अगर हम लोग एक का ही इंटीग्रेशन कर देंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या निकल जाएगा भैया जी? x निकलेगा। अब प्लस सी सब में देना है, क्यों भैया जी? क्यों प्लस सी सब में देंगे? क्योंकि इसमें वन है ना, इसमें कहीं ना कहीं सब में जीरो जुटा हुआ रहता है, जुटा रहता है ना, और जीरो का इंटीग्रेशन सी होता है, इसलिए सब में प्लस सी रहेगा, क्योंकि सब में हम लोग प्लस जीरो कर सकते हैं, इतना ध्यान में रखना, बैठा लो ना दिमाग में अभी तत्काल, समय कम है काम ज्यादा है, इसलिए बैठा लो दिमाग में कि इंटीग्रेशन करेंगे सब में सी लगाना है अंतिम में, ठीक है? वरना और डिटेल करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन को, अभी सिर्फ परीक्षा के लेवल से चलने वाले हैं, ठीक है जी? क्या हो रहा है? ठीक है जी, अब यहाँ ध्यान दो चीज देखे, जीरो का इंटीग्रेशन करेंगे तो सी होगा, हाँ जी, और वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स होगा, ये बातें समझ में आई? हाँ, इसको समझ लो पहले, वन का इंटीग्रेशन एक्स, जीरो का इंटीग्रेशन सी, वन का इंटीग्रेशन एक्स, जीरो का इंटीग्रेशन सी, चलो बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया भैया जी, चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर अब क्या, यहाँ पर एक्स पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, इसका जो हम लोग डिफरेंशिएट किए क्या आया? एक्स पावर एन आया, इसका मतलब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये रिजल्ट आने वाला, उल्टा, चलो उल्टा, इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स पावर एन का अगर इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा? अपने सारे जो आपके पास क्षमता है ना, कि हम किसी चीज को कितनी देर तक अपने अंदर याद रख सकते हैं, सब यहाँ लगा दो, मतलब अपना सेरिब्रम यूज करो यहाँ पर,
एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो मेरा रिजल्ट आएगा एक्स पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, मतलब जो भी एन रहेगा उसमें एक जोड़ देना है, जो पावर ऊपर मिलेगा उसको हूबहू नीचे लिख देना है। चल अच्छे से लिखेंगे, हाँ जी अगेन सब में हम लोग प्लस सी लगाते, इसमें प्लस सी लगा लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं भैया। सेम उसकी तरह e पर पावर x का डिफरेंशिएट किए तो e पर पावर x हुआ, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e पर पावर x होगा, e पर पावर x का इंटीग्रेशन तो e पर पावर x यहां dx को लगाएगा, ये dx डिनोट, जिसे यहां पर ये d / dx डिनोट कर रहा था कि हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसी प्रकार यहां पर dx ये डिनोट कर रहा है कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। चलो e पर पावर x का डिफरेंशिएट क्या होगा, e पर पावर x ही होगा, अब प्लस सी सब में लगाते हैं, इस चार पर पहले भर भर के सवाल बनाएंगे, हाँ जी उसके बाद आगे बढ़ना है। चल बहुत अच्छा, इसको हटा दे, गायब कर दे इसको, बिल्कुल सही, बस ये भी सुनो तब मैं बताता हूँ फॉर्मूला कैसे रिविजन करोगे, यहाँ पर आप डिफरेंशिएट का फॉर्मूला, यहाँ पर आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, दोनों एक साथ रखोगे तो अच्छा रहेगा आपको, वरना कोई नहीं है, एक जगह आप डिफरेंशिएट का फॉर्मूला लिख लो, एक जगह आप इंटीग्रेशन का और फॉर्मूला लिख लो और रिविजन करो। वैसे हम लोग बारी बारी से फॉर्मूला समझते भी चलेंगे और सवाल बनाते भी चलेंगे कंटिन्यू, ठीक है ना, तो अपने दिमाग को खोल के रखना है, नया नया चीज आएगा उसको हमारा दिमाग एक्सेप्ट करने में जो थोड़ा सा हिचकता है, लेकिन आपको हिचकना नहीं है, उसको कंप्लीट कर लेना है, मतलब उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है। हाँ जी, अब कुछ नया नया फॉर्मूला आया, अब नया नया फॉर्मूला आया उस पर कुछ सवाल बताइए फटाफट से। जैसे यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया, बताओ जी एक्स की पावर टू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अच्छा जी बताएंगे भैया जी, अगर भैया ऐसा रह गया एक्स की पावर सेवन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई नहीं बहुत हलवा है, हम लोग जानेंगे क्या जीरो है, नहीं भैया जीरो तो यहाँ नहीं है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन अगर जीरो रहता तो मेरा कॉन्स्टेंट टर्म हो जाता, ठीक, क्या वन है, ना 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 वन तो नहीं है, अगर वन रहता तो सीधा हम लोग एक्स लिख लेते हैं। क्या क्या यहाँ पर e पर पावर x है, ना भैया जी e पर पावर x यहाँ पर नहीं है, अगर e पर पावर x रहता तो सेम वही हो जाता e पर पावर x ही हो जाता। चलिए अब क्या करें, हाँ भैया जी पावर के फॉर्म में है, अगर x की पावर कुछ भी हो तो हम लोग पावर में एक जोड़ देते हैं, जैसे वहां पर डिफरेंशिएट में हम लोग क्या करते हैं x पावर n है, इसका डिफरेंशिएट निकालना होता है, हम लोग क्या करते इस n को आगे करते थे फिर उसमें एक घटाते थे, इसमें ऐसा नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे जो भी पावर रहेगा, जो भी पावर रहेगा उसमें हम लोग एक जोड़ेंगे, एक को जोड़ देंगे और फिर जो पावर इसको हूबहू नीचे लिख देंगे, बस और कुछ नहीं मानना है, बस हो गया सारा काम यही संभाल लेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो एक्स पर पावर टू है, हाँ भैया इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है, क्या करेंगे सिंपल सा जो पावर है उसमें एक जोड़ेंगे, अब जितना ऊपर दिखा है सबको हूबहू नीचे लिख लेंगे, बस प्लस सी काम खत्म। अब हम लोग सीधा सॉल्व कर लेते हैं, दो और एक जोड़ो तीन हो गया एक्स पावर तीन बटे नीचे में दो प्लस एक तीन हो गया प्लस सी, यही आपका रिजल्ट हो गया, कितना आसान है ना आसान। हाँ भैया जी अगेन एक्स पावर सेवन इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या होगा यहाँ भैया पावर के रूप में हम लोग जानते जो ही पावर है उसमें इंटीग्रेशन एक जोड़ते, बस दिमाग में रखो इंटीग्रेशन है पावर है तो एक जोड़ेंगे, इंटीग्रेशन में पावर में एक जोड़ते हैं, डिफरेंशिएट में पावर में एक घटाते और बाहर निकालते हैं, ठीक है मतलब बाहर निकाल के तब घटाते हैं, तो यहाँ इंटीग्रेशन है तो पावर में एक जोड़ेंगे, तो एक्स पे पावर क्या होगा सात है उसमें एक जोड़ेंगे, जो यहाँ हूबहू है उसको नीचे उतार लेंगे। चलिए अब जो रिजल्ट हो गया बस वही मेरा आंसर है, सात प्लस एक आठ हो गया, एक्स पे पावर एट बटे सात प्लस एक आठ, बहुत अच्छा समझ में आया, हाँ भैया बहुत अच्छा समझ में अच्छे से आया। अगर ऐसा रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पे पावर थ्री dx तो क्या करेंगे हम लोग सिंपल सा जो पावर है इसमें एक जोड़ेंगे, तो पावर मेरा क्या है तीन में एक जोड़ दिए, जो यहाँ पर है उसको हूबहू नीचे लिख लेंगे प्लस सी कर लेंगे, तो एक्स पावर फोर बटे फोर काम खत्म हो गया, इतना सही काम करना है कुछ ना करना। अच्छा भैया जी ये तो हुआ, तो इसमें और घुमाइए हम, मतलब अभी परेशान कीजिए, जरूर जरूर परेशान करना तो हमको अच्छे से आता है, अभी परेशान की देता हूँ तुरंत, अरे तुरंत परेशान की देता हूँ, आप परेशान क्यों होते, तुम साथ हो जो मेरे इस चीज की कमी है किसी और चीज की। अब देखिए यहाँ अगर ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा इसका अगर हमको इंटीग्रेशन निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, तो सिंपल सा हम लोग करेंगे प्लस है ना, प्लस कहता है भैया हमको अलग अलग कर दो या फिर डायरेक्ट करो ना, एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, यहाँ भैया पावर एक है तो सिंपल सा पावर एक है तो हम लोग क्या करेंगे इस एक में एक जोड़ना है, मैंने बताया था इंटीग्रेशन मतलब एक जोड़ना है अगर पावर है तो, यहाँ पावर एक है एक में एक जोड़ो तो एक में एक जोड़ दिए, जो ऊपर पे उसी को नीचे ले दिया काम खत्म, अगेन प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर है पावर में दो है इसका मतलब दो में कितना जोड़ना है एक जोड़ना है, तो दो में हम लोग एक जोड़ देंगे, जो पावर रहेगा उसको हूबहू नीचे लिख लेंगे, बस और कुछ है इसका यहाँ पर हो गया इसका यहाँ पर हो गया काम खत्म, फिर अंतिम में प्लस ही लगाते हैं ऐसे, चलो कोई नहीं प्लस ही लगा देते हैं, क्यों लगाते हैं पता है, ठीक है
आगे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 1 भैया जी 2 हो गया, x स्क्वायर बटे 2, 2 प्लस 1 भैया जी x क्यूब बटे 3 हो गया, प्लस c हो गया। बस और क्या करें, मजे है मजे। भैया और कीजिए कुछ, x क्यूब माइनस x है ठीक है, इसका हमको डिफरेंशिएट निकालना, तो क्या होगा, तो सिंपल सा भैया जी क्या करेंगे हम लोग, जो पावर है उसमें एक जोड़ेंगे, बस क्या करना है एक जोड़ना है। तो यहाँ पावर क्या है भैया जी, 3 है, पावर में एक जोड़ो, तो 3 में एक जोड़ दी, जो पावर है उसी को हूबहू लिखना है, फिर माइनस का माइनस जो यहाँ रहेगा वो यहाँ लिखना है, फिर x पे पावर कितना है 1 है, 1 में कितना जोड़ेंगे एक जोड़ेंगे, x पे पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, काम खत्म। अरे वहां पर एक फॉर्मूला बचा हुआ था ना, अरे इसको तो भूल गए हम लोग, अच्छा कोई नहीं बताएंगे उनको, चलिए सीख लो, ये सिखाना स्टार्ट कर दो, सीख लो इसको। अगेन यहाँ पर x पावर 4 हो गया बटे 4 हो गया, माइनस x पावर 2 हो गया बटे 2 हो गया, प्लस सी, काम खत्म। इतना आसान था ना, आसान, हाँ जी कुछ बनाओ गया, कुछ हाँ बनाओ गया, उससे पहले भैया और थोड़ा और हार्ड कीजिए। अरे क्या हो गया तेरे, हार्ड हार्ड कर रहे हो, कुछ हुआ क्या? देखो 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 देख, हाँ अगर ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1, इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो पहले भैया इसको गुना करके अलग अलग x का अलग अलग वैल्यू हो जाएगा, तब ना आप करोगे इंटीग्रेशन, वरना क्या होगा, अभी x और फिर ये कर u फिर v, u और v मतलब u इंटू v के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि हमको अभी नहीं चाहिए, बाद में सीखेंगे। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस x का गुना इसके साथ, इस x का गुना इसके साथ, तो करते हैं x गुना x, x स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस था तो प्लस दिए, फिर x का मल्टीप्लाई 1 के साथ, x हो गया, इसका इंटीग्रेशन करना है, कर देंगे ना, क्या दिक्कत है, हलवा चीज है। फिर x स्क्वायर है, पावर 2 है, कितना जोड़ना है एक जोड़ना है, तो 2 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, जो पावर इसको होगा वो नीचे लिखो, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, फिर x पे पावर 1 है, x पावर 1 मतलब 1 में कितना जोड़ना है 1 जोड़ना है, तो जोड़ते हैं 1 बटे जो ऊपर में होगा उसको नीचे लिख लो, प्लस सी, तो करते हैं ना, x की पावर 3 बटे 3 प्लस x की पावर 2 बटे 2 प्लस सी, यही आपका रिजल्ट था, एक बहुत प्यारा सा रिजल्ट है। x की पावर 1 बाय 2 है, इसका क्या हुआ रिजल्ट, हल्दी हल्दी बताया जाए, x पर पावर 1 बाय 2 इसका रिजल्ट क्या होगा इंटीग्रेशन के फॉर्म में, हल्दी हल्दी बताया जाए क्या होगा इसका रिजल्ट। भैया जी मुझे आटा है, क्या मुझे पावर दिख रहा है, पावर भी वो कांस्टेंट पावर है, हाँ जी पावर कांस्टेंट होना चाहिए, पावर दिख रहा है इसका मतलब 1 जोड़ना है, जोड़ते हैं ना, तो क्या होगा, x पावर 1 बाय 2 है, 1 बाय 2 में 1 जोड़ देंगे, जो भी रहेगा 1 बाय 1 जोड़ना उसमें, और जो पावर बचा उसको, बचा मतलब जो पावर है उसको नीचे भाग करना है उससे, तो 1 बाय 2 प्लस 1 से भाग भी कर देंगे, तो आंसर क्या हो गया, 1 बाय 2 में 1 जोड़ो तो 3 बाय 2, तो x पावर 3 बाय 2 नीचे में भी 3 बाय 2 बन गया, और क्या ही चाहिए, बस और कुछ ना चाहिए ना जी, हाँ जी भैया कुछ सवाल दीजिए बनाने के लिए, अरे जरूर जरूर जरूर, वो हम छोड़ सकते क्या, बिल्कुल ना, ऐसा तो बिल्कुल ना होगा, तेरे साथ ला 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 क्वेश्चन बनाओगे कुछ, आपको बनाना ठीक है, पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर 4 माइनस x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 7 dx, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस x क्यूब dx, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3 dx, एक लास्ट क्वेश्चन, मैं पांच क्वेश्चन, यहां पांच क्वेश्चन पढ़ा है, इस पांच क्वेश्चन को हल्दी हल्दी बनाओ, मुझे मन कर रहा है क्या दो क्वेश्चन और दे दूं, चलो क्या दिक्कत है, इसमें पहले मल्टीप्लाई कर लेना उसके बाद आप इंटीग्रेशन करना ठीक है, x का मल्टीप्लाई 1 से तो x हो गया, फिर x का मल्टीप्लाई x से तो x स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस आ जाएगा ठीक, ऐसा नहीं चल रहेगा कि चले देते हैं बिना मल्टीप्लाई किए, वो काम नहीं करना है ठीक। सातवां क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू 1 प्लस x, अरे 10 क्वेश्चन भैया कराइए ना, क्या कर रहे हैं, ये तो हलवा हलवा क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन नहीं दीजिएगा फिर मजे नहीं आएगा, मजा चाहिए ना, पहले पढ़ लीजिए अच्छे से, अरे एक्स क्यूब है ना, 1 प्लस एक्स, चलिए 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 कोई नहीं, अच्छे से बनाना है आपको बस, चलिए सबको बनाइए अच्छे से, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन पहले बनाइए, इसको बनाना है, बनाने के बाद आगे बढ़ना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ बनाओ आगे बढ़ो, बनाओ आगे बढ़ो, बनाओ आगे बढ़ो, ऐसे सोचोगे नहीं, बाद में बनाइए, हलवा चीज है, तब आगे दिक्कत हो जाएगा, याद रखना पहले इसको बनाओ, अरे बनाओ मैंने बोला बनाने तो बनाओ इसको, हाँ जी चलो आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलेंगे, बिठा दे इसको, हाँ भैया बिठाइए, इसमें क्या है कुछ ना, इसे भैया जी ये सब मोह माया, इसको मोह माया ही रहने दीजिए, इसे बन गया भैया,
इतना हलवा हलवा चीज था ना ये इंटीग्रेशन, अरे हलवा चीज है ना पता चलेगा अभी, मैं डरा नहीं रहा हूँ बस समझा रहा हूँ जी, अगर फॉर्मूला याद नहीं करोगे ना तो बुरा हाल होने वाला है। चलो जी अब क्या करें भैया, अब कुछ ना करना है, अब मुझे ये बताओ ये तो हलवा चीज है, जहां पर e पे पावर x दिखेगा आपको इंटीग्रेशन में वहां सीधा उसकी जगह पर e पे पावर x आपको लिख देना है बस, और कुछ ना करना है ठीक है। अगेन आप ये बताओ कि डिफरेंशिएट में पूछ रहा हूँ, इसको इंटीग्रेशन ऊपर लिख दो और जो फॉर्मूला आते चलेगा उसको एक जगह इकट्ठा करते चलना, इस चारों फॉर्मूला को वहां पर लिख लो एक पेज में, पीछे में कोई सा पेज होगा उसमें लिख लो, अभी जितना फॉर्मूला आएगा सबको वहीं पर लिखते जाना ठीक। इसको पहले उस पेज में लिख लो, इसको मिटाएंगे हम लोग, लिख लेगा चलिए, इसको याद रखना है इसे भूल ना जाना, खास करके ये फॉर्मूला, कौन फॉर्मूला भैया इसको कभी भूल ना जाना इसको, हाँ 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 भैया ना भूलेंगे, ये हलवा फॉर्मूला था अपन जोड़ना है और डिवाइड करना है पावर से। चलिए अब हम लोग आपको बताना है इंटीग्रेशन ऑफ ए पर पावर एक्स बटे लॉग ए, इसका क्या होता है डिफरेंशिएट, आप ये बताओगे हल्दी हल्दी से इसका डिफरेंशिएट का फॉर्मूला मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएट क्या होगा, तो हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, इसका डिफरेंशिएट करना है ना, सिंपल सा एक काम करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको पहले बाहर निकालते हैं, इसमें कांस्टेंट कौन कौन है तो लॉग ए है और ये ए, लेकिन ये ए भैया एक्स के शरण में है तो इसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता, तो सिर्फ जो एक्स के साथ नहीं है उसको बाहर निकालेंगे, तो वन बाय लॉग ए एक्स के साथ नहीं था उसको बाहर निकाले, अरे रे 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 बाहर तो निकाल ली, ये आपका सिर्फ बाहर आ गया, अब हो बहु बच गया ये टर्म और ये टर्म बच गया, इसको नीचे मिल भैया समझ में आएगा, इस वन बाय लॉग ए को बाहर निकाल, बचा क्या ये डी बाय डी एक्स बचा और यहाँ बचा ए पर पावर एक्स, समझ रहे हो, सिर्फ इसमें से इसको बाहर निकाल दिया, ये पूरा टर्म यहाँ बच गया। हाँ भैया ये फॉर्मूले पर आ रहा है, अगर आपने फॉर्मूला ठीक से पढ़ा हुआ है तो नहीं पढ़े हो तो फिर कोई बात नहीं, क्या था फॉर्मूला ए पर पावर एक्स का फॉर्मूला, सिंपल सा भैया जी ए पर पावर एक्स का ए पर पावर एक्स होगा और इसमें लॉग ए से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर भी लॉग ए दिख रहा है, अरे दोस्त चलो हम लोग मिल जाते हैं, ये मिल खत्म हो गया, अब बचा सिर्फ ए पर पावर एक्स, इसका मतलब इसका अगर डिफरेंशिएट किए तो ए पर पावर एक्स हुआ, इसका जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन भैया, अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, ये होगा, इसमें डिवाइड करते हम लोग, डिफरेंशिएट में मल्टीप्लाई होता, इंटीग्रेशन में इसके साथ डिवाइड करते हैं, देख लो दिमाग में पहले बैठाओ, बसा लो दिमाग में क्या करते हैं, इसके साथ डिवाइड करते हैं, चलो काम खत्म। हाँ भैया काम खत्म, अब जो आने वाला है वो अच्छे से ध्यान में रखना, अब हम लोग सीखेंगे क्या क्या सीखेंगे भैया जी, ये साइन भैया का क्या होता है, क्या साइन भैया का काम चल रहा है, साइन का क्या होगा, कॉस का क्या होगा इंटीग्रेशन ठीक है, उसके बाद भैया जी कोसेक का क्या होगा, सेक का क्या होगा, कॉट का क्या होगा, टेन का क्या होगा, ये सब सीखना है। अच्छा भैया उसके बाद भैया क्या सिखाइएगा, साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, फिर कॉस स्क्वायर एक्स का किस प्रकार निकालेंगे, फिर कोसेक स्क्वायर एक्स का किस प्रकार निकालेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का किस प्रकार निकालेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स का, टेन स्क्वायर एक्स का, इतना अगर सीख जाओगे ना कंफर्म रखना एग्जाम में कंप्लीट है आपका, सिर्फ इतना सा सीखने के लिए, इसमें क्या है सीखने में, बस दो दो चार दो छह 12 फॉर्मूला याद रखना है बस, निश्चित सिर्फ फॉर्मूला आप याद रखो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो, जो मैं बताऊंगा इस सबका फॉर्मूला कैसे सॉल्व करना है सिर्फ वो ध्यान में रखना, बाकी आप मुझ पर छोड़ दो बस, इसका आप मैं तो कम लिखा हूँ 5 मार्क्स, अगर इसको ठीक से करना चाहिए प्लस इससे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको, ध्यान में रखना, सोच लो इसको किस प्रकार आप कंप्लीट करोगे ये आप सोचो, ये समझाइए ना, हलवा हलवा चीज है, हम करेंगे हम मतलब आप करोगे आप। हाँ जी चलिए एक चीज और मैं सिखाता, चलिए पहले इसमें से क्या सीखना चाहते हो भैया, ये सिखाइए साइन एक्स और कॉस एक्स सिखाइए, चलिए सीखते हैं, हम लोग क्या जानते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएट, भैया जी मुझे पता है ना साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता, साइन के साथ साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स, और डिफरेंशिएट ऑफ कॉस एक्स क्या होता भैया जी, साइन एक्स में माइनस लगाना, और भैया माइनस का क्या खेल चलता है सुनिए, जितना भी डिफरेंशिएशन होगा जितना भी डिफरेंशिएशन होगा इसमें जो फर्स्ट में लिखा होगा एफ से फर्स्ट, जो फर्स्ट में लिखा होगा अगर वहां पर कहीं पर भी सी दिख गया तो भैया रिजल्ट में माइनस आएगा, इस बात को पहले दिमाग में बैठाओ, डिफरेंशिएशन में फर्स्ट में जहां पर मतलब इस क्वेश्चन में जहां पर फर्स्ट में जहां पर सी दिखेगा उसके डिफरेंशिएट में माइनस लगेगा, यही हम लोग डिफरेंशिएट में पढ़े थे, एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हम लोग माइनस में क्या पढ़े थे भैया जी, डिफरेंशिएट मतलब फर्स्ट में जिसमें जिसमें सी रहेगा उसमें उसमें माइनस लगेगा, यही ना पढ़े थे। हाँ जी भैया इंटीग्रेशन में क्या फंडा है माइनस को पहचानने का,
सुनिए, इंटीग्रेशन में कहता है, इंटीग्रेशन कहता है कि जिसके आंसर में सी रहेगा उसमें माइनस लगेगा। अच्छा जी, उल्टा काम चलता? हाँ जी, उल्टा काम चलता। इसका मतलब, अच्छा वो भैया साइड में रखिए, दिमाग प्लेस को डाल लो, जिसके डिफ्रेंशिएट में जिसके फर्स्ट में सी रहेगा उसमें माइनस लगेगा। ये दिमाग में बैठ गया? हाँ भैया बैठ गया। चलिए अभी रहने दो ना, आराम आराम से हम लोग सीखेंगे। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया जी? sin x, उल्टा खोपड़ी। हाँ जी, cos x का इंटीग्रेशन sin x। चलिए इंटीग्रेशन में क्या देखे थे भैया? जिसके जिसके आंसर में यहाँ पर सी रहेगा उसमें माइनस लगेगा, बस यही ना। हाँ भैया जी, गया दिमाग में? मैंने क्या कहा कि हम लोग बोले डिफरेंशिएट मतलब फर्स्ट में, जिसके जिसके फर्स्ट में सी रहेगा उसके रिजल्ट में माइनस रहेगा। इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ नहीं है, इसका फर्स्ट मत देखना। इंटीग्रेशन कहता है भैया जी, हम इंटीग्रेशन है, सीधा इंटीग्रेशन मतलब इंटर करवा दो, जो आंसर में जिसके जिसके आंसर में यहाँ पर सी रहेगा उसमें सिर्फ माइनस लगाना, इसको दिमाग में बैठा। जिसके जिसके आंसर में सी रहेगा उसमें माइनस लगेगा इंटीग्रेशन में। चलो चलो चलते हैं, यहाँ क्या यहाँ सी है तो माइनस नहीं लगेगा। ठीक, अब यहाँ पर भैया कॉस एक्स का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सिंपल था भैया जी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो भैया जी cos x तो होगा, लेकिन यहाँ c आ रहा है ना, माइनस लग जाएगा। मैंने बताया ना इंटीग्रेशन में जिसमें जिसमें इस साइड c रहेगा उसमें माइनस लगाना है, बस और कुछ ना करना है। सी प्लस सी। इस बात को दिमाग में बैठाओ पहले, अभी तक आपके दिमाग में ये बातें क्यों नहीं जा रही है, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। समझिए, मैंने कहा डिफरेंशिएशन में जिसके जिसके एफ से फर्स्ट, जिसके जिसके फर्स्ट में सी रहेगा उसके रिजल्ट में माइनस आएगा। डिफरेंशिएशन में जिसके फर्स्ट में सी रहेगा उसके रिजल्ट में माइनस आएगा। इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन कहा था आंसर में जिसमें सी रहेगा, आंसर में जिसमें जिसमें सी रहेगा उसमें माइनस लगेगा। अभी समझ में आया या नहीं समझ में आया? समझ गए, ठीक। चलो अगेन आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अभी cos x का इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, पे यहाँ c आ गया इसलिए माइनस लगा दिया, और कोई नहीं। बाकी तो चेंज करना था, sin को cos में चेंज करना है, डिफरेंशिएट में यही करते थे, cos को sin में चेंज करते थे बस, लेकिन फर्स्ट में यहाँ पर c था तो माइनस लगा देते थे। हाँ जी, बस यही छोटा फोटा छोटा सा रूल हम लोग अप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा, कंफ्यूज नहीं करना है किसमें माइनस लगेगा किसमें माइनस नहीं लगेगा, सिर्फ दिमाग में बैठाना है। अगर डिफरेंशिएट है तो फर्स्ट में जिसमें सी रहेगा माइनस लगा देंगे, इंटीग्रेशन है आंसर में जिसमें मतलब आंसर में जिसमें जिसमें सी रहेगा माइनस लगा देंगे, बस दिमाग में ये बैठा के चलना है आपको। अब ऐसा नहीं भैया जी, हम अपने कलम का प्रयोग करते हुए इस माइनस को यहाँ लिख लें तो क्या फिर भी हम लोग सी में माइनस लगाएंगे? ये कोई बात है? मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पर माइनस लगा दोगे, जब यहाँ माइनस लगा दिया तो यहाँ माइनस नहीं लगेगा, कोशिश करना इस साइड माइनस। अच्छा कंफ्यूज नहीं करना, छोड़ आपको भी कंफ्यूज नहीं करना, जितना मैंने कहा अपना दिमाग में रखो। मतलब आपका मन किया इस माइनस को इधर भेज देने का, आप फिर से माइनस लगा देने का, गलत बात ना, इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है? इधर माइनस को कुछ नहीं होना चाहिए, सिंपल खाली इधर बिना माइनस का टर्न होना चाहिए, इधर भी बिना माइनस का टर्न होना चाहिए, तब जाकर के वो फंडा मैंने जो बताया कि जिसके जिसके स्टार्टिंग में सी रहेगा तो माइनस लगाओ, जिसके स्टार्ट जिसके आंसर में सी रहेगा तो माइनस लगाओ, तब ये काम करेगा, ठीक है? चलो ज्यादा आपको परेशान ना करते, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं बोल दूं, सुन लो एक लास्ट बार, अगर नहीं समझो तो फिर से समझो, मैं फिर से बोल रहा हूँ। डिफरेंशिएट कहा था जिसके फर्स्ट में अगर सी रहेगा तो उसके रिजल्ट में माइनस लगेगा। इंटीग्रेशन कहा था जिसके आंसर में सी रहेगा, लगभग सब में जिसके आंसर में सी रहेगा उसमें माइनस लगेगा, ठीक। चलो चलो आगे बढ़ते हैं भैया, ये दोनों तो हो गया, और बोलिए इसमें क्या सीखना है आपको? साइन कॉस देख लीजिए, आगे बताइए और क्या सीखना है भैया? इसी इसमें हमको ये सिखा दीजिए, टेन का और कॉट का सिखाइए। अच्छा टेन और कॉट का सीखेंगे, सीखो तो क्या होगा? अच्छा फिर डिफरेंशिएट बताओ, टेन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता, डिफरेंशिएट ऑफ कॉट एक्स का क्या होता? अभी डायरेक्ट भारी पे नहीं जाना है, हाँ जी, इसलिए थोड़ा सा मैं बैक गियर लगा रहा हूँ, अभी लॉग में नहीं जाना है। चलो tan x का डिफरेंशिएट क्या होता है भैया जी? tan x का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x, हाँ जी, अगेन cot x का डिफरेंशिएट क्या होता है? cosec स्क्वायर x, बट यहाँ पर c आ गया फर्स्ट में, आंसर माइनस लगेगा, बस यही काम करना है। इसमें स्टार्टिंग में c नहीं था तो माइनस नहीं लगा, इसमें स्टार्टिंग में c था तो माइनस लग गया, बस छोटा सा बात आपको दिमाग में बैठाना है। चलो जी इस बात को समझना इस बात, ठीक है? अब भैया इसका उल्टा करेंगे, उल्टा पुल्टा करना है ना, एक काम करो फॉर्मूले लिखना है ना, तो फॉर्मूले तो लिखना है, चलो यहाँ पर लिखे भैया, ये सब फॉर्मूले को एक जगह लिखते चलना है आपको, ठीक? फॉर्मूला क्या था, इससे स्क्वायर एक्स का उल्टा इंटीग्रेशन करेंगे, तो sec स्क्वायर एक्स का उल्टा इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x हो जाएगा। अगेन cosec स्क्वायर एक्स का उल्टा इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स का उल्टा इंटीग्रेशन?
ये जी कॉर्टेक्स तो होगा लेकिन यहां पर सी आ गया तो माइनस लग जाएगा, बस एंसर में सी लिखेगा तो माइनस लगा देना। हाँ भैया समझ में आ गया, इसका मतलब हम लोग इस कॉसेक स्क्वायर एक्स को कंप्लीट किए और सेक स्क्वायर एक्स को कंप्लीट किए, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये कंप्लीट हो गया दोनों और ये कंप्लीट हो गया, अभी बचा हुआ है चार, अभी कंप्लीट किए हैं चारों पहले बनाए ट्रांसेसर, मतलब ट्रांसेसर जा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मुझे, मैं कहाँ से आ गया हूँ, इस चारों इंटीग्रेशन मतलब इस चारों इंटीग्रेशन पर पहले सवाल बनाएंगे, पहले इस चारों इंटीग्रेशन को देखो और याद करो उसके बाद हम लोग चलेंगे। अभी हम लोग इस चारों को देखे हैं, बाकी बचा हुआ है, बाकी चार आठ और बचा हुआ है, ध्यान में रखना। चलो साइन एक्स का इंटीग्रेशन भैया माइनस कॉस एक्स, जहां जहां कॉस जहां जहां सी वहां वहां माइनस, आंसर में जहां जहां सी वहां वहां माइनस, ठीक है। साइन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी, फिर से बोलते हैं बोलो तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी, बोला है आपको सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सोचो मन में टेन एक्स प्लस सी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी। चलो काम खत्म, इसको दिमाग में दोहराओ दोहराओ बस दोहराओ। चलो जी आगे चले चले आगे, हाँ भैया चलते, इसको मिटा दो, मिटा दे, हाँ भैया मिटाइए, ये सब पूछना है, ये सब मोह माया, और हम मोह माया को पसंद करते नहीं है, क्या छोटे सही बात है क्या। चलो आप बताओगे अगर डिफरेंशिएट ऑफ एक्स प्लस, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, इसका क्या होगा, डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन क्या होगा, अब डिफरेंशिएट कहाँ से आ गया, इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन और साइन एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता है, इस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हमारा x पर पावर वाला फंक्शन है, मतलब अगर जो भी पावर रहेगा उसमें एक जोड़ना है और डिवाइड करना है, ठीक। तो यहाँ x पर पावर दो है, दो में एक जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे, तो x में दो में एक जोड़ना है और उससे डिवाइड करना है, बस हो गया। यहाँ प्लस तो प्लस दे देंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, कोपरिया तेज चलाओ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स हो गया, यहाँ प्लस माइनस था इसलिए यहाँ घेर देंगे, फिर प्लस सी हो गया, काम खत्म, बन गया, हो गया, इतना सही काम करना था, फिर सिर्फ इस दोनों को क्या करना है, प्लस माइनस माइनस होता, हाँ जी इसको पहले सॉल्व तो करो, एक्स पे पावर दो और एक जोड़ेंगे तीन हो गया, दो प्लस एक तीन हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, कॉस एक्स का कॉस एक्स हो गया प्लस सी, मैंने जो कहा था साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, सी था इसलिए यहाँ पर माइनस दिए, सी था इसलिए यहाँ पर माइनस दिए, डिफरेंशिएट में फर्स्ट में अगर सी रहेगा तो माइनस होगा, हमेशा रिजल्ट में माइनस होने वाला, हमेशा रिजल्ट में माइनस होने वाला, याद रखना इसका रिजल्ट में माइनस हो रहा, इसका भी रिजल्ट में माइनस हो रहा है, हाँ जी उसमें भी रिजल्ट में माइनस हो रहा था, ठीक। चलो काम खत्म, तो ये सब हलवा हलवा चीज है, और बताइए ना इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, भैया जी बोलिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, हाँ जी, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, या साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, देखिए यहाँ सी था इसलिए माइनस लगा दिए, हाँ बहुत अच्छे, अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, कॉस एक्स का साइन एक्स, यहाँ एस था तो प्लस लगा दिए, बस आपके प्लस सी दे दिए, काम खत्म, बन गया भैया बन गया, हाँ जी बन गया, इतना सा काम करना था। अभी और क्वेश्चन बनेगा इसलिए घबराना नहीं है, लगता है गला फंसता गया है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, अच्छा रुकिए, ई पर पावर एक्स प्लस साइन एक्स, इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या होगा बताओ, अब खुद से बनाओ भैया, हम खुद से बना सकते हैं, तो बनाइए खुद से, बनाइए सब चीज बहुत आसान है, ये सब चीज हलवा हलवा, क्या करना होगा, e पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, भैया जी हमको पता है, e पर पावर x का डिफरेंशिएट कीजिए या फिर इंटीग्रेशन कीजिए, दोनों का रिजल्ट सेम होता है, तो e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x ही हो गया, ठीक, प्लस का प्लस, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, तो माइनस कॉस x, सी था इसलिए माइनस लगा, तो माइनस कॉस x, यहाँ प्लस माइनस साफ में आया इसको घेर देंगे, प्लस सी हो गया, तो e पर पावर x माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, कॉस x प्लस सी हो गया, काम खत्म। चलिए भैया जी काम खत्म, अगेन और आप बताओगे भैया जी, हम और बताएंगे, हाँ जी कितना बताएंगे, दांत लाल कर देना है ऐसे बोलोगे तो, अब बताओ ए पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, भैया मुझे पता है क्या होता, डिफरेंशिएट में हम लोग गुना करते थे, यहाँ पर भाग करेंगे, उल्टा कर रहे हैं स्टार्टिंग से, भैया उल्टा उल्टा करवा रहे हैं, मेरा कपड़िया उल्टा हो चुका है। यहाँ ध्यान दो, ए पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए पर पावर एक्स बटे लॉग ए,
काम खत्म। हाँ जी, फिर क्या करना है, माइनस का माइनस लिखना है, जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ लिखना है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, साइन एक्स, यहाँ पर एस था इसलिए माइनस नहीं लगा, वरना अगर रहता सी माइनस लगेगा ऐसे ना चौल को, फिर प्लस सी, सब में प्लस सी लगाना याद रखना। देखो सब में प्लस सी प्लस सी प्लस सी सब में लग रहा है इंटीग्रेशन के बाद, इंटीग्रेशन जैसे होगा उसके बाद एक चीज अपने मन से आएगा प्लस सी, अपने मन से मतलब कैसे आ रहा है मैंने बताया हुआ है। हाँ जी, यहाँ तक भी कंप्लीट बन गया। और क्या था, कुछ बनाने के लिए, कुछ बनाने के लिए बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन सर, हलवा हलवा क्वेश्चन, भारी कुछ ना भैया जी, और क्वेश्चन दो चार करवाते ना उसके बाद गाने देते, कितना अच्छा रहता। चलो दो चार क्वेश्चन और कर लेते इस बार। एक जानते हो काम करके बैठना होगा इसको, क्या दो कपड़े रखना है, एक भींगा हुआ एक सूखा हुआ, जिससे आसानी रहेगा ना। चलिए इसका बनाओ, आप जानते हो मैंने को, अभी यहां पर हम क्वेश्चन लिखेंगे आपको बिना आंसर देखे, मतलब मेरा आंसर नहीं देखना और बना रहा, ठीक है। देखो sec स्क्वायर x प्लस tan x, इसका आपको इंटीग्रेशन निकाल, भैया ये क्या कर दिया, वक्त जज्बात सब कुछ चेंज कर दिया, मतलब sec स्क्वायर x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सिखाया है हमको, अभी कौन सिखाया sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। हाँ जी, क्या होता है sec का रिलेशन किससे था भैया, sec का रिलेशन, रुकिए रुकिए, हम पढ़े हुए sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर, मतलब tan के साथ होता है रिलेशन, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। वाओ भैया जी, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, आगे में क्या सी है ना 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 ना, तो माइनस नहीं लगेगा। अगेन tan x का, भैया tan x का सिखाया कहां है, इसको चेंज कीजिए, हटाइए इसको, यहां पर sin x दीजिए। भैया जी आप कुछ नहीं चेंज करवा दीजिएगा, tan x का नहीं सिखाए तो बनाओगे ना, अरे अभी मत बनाओ, सीखेंगे तब बनाएंगे। sin x का क्या होता है इंटीग्रेशन, भैया sin x का इंटीग्रेशन cos x होता, लेकिन भैया जी यहाँ c है तो माइनस लगेगा, यहाँ पहले से प्लस था फिर माइनस आ गया, प्लस माइनस साथ में रहेगा तो ये घेरा में आ जाएगा, घेराबंदी हो जाएगा, ठीक, फिर प्लस c बन गया, फिर घेराबंदी तोड़ दो, सिर्फ घेराबंदी भैया कैसे टूटेगा, यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस बचेगा cos x प्लस c। चलो काम खत्म, हाँ काम खत्म, अभी और लेना बनाने के लिए एक राउंड और बनाएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको, कम से कम आज जो है, चलो अभी आगे और बढ़ो, हलवा हलवा चल रहा है, भारी जब लगेगा, हाँ अब आपके सर के ऊपर से जाने लगा तो वही मैं रोकूंगा, ठीक, अगर मुझे ऐसा फील होगा तो, वरना में चलती रहेगी गाड़ी, चलती रहेगी बस चलती रहेगी, ना रुकेगा ना झुकेगा, चलती रहेगा। अगेन इसका बताओगे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x, भैया जी मुझे tan स्क्वायर x का नहीं बताए हैं, बार बार क्यों दे रहे हैं ऐसा, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अभी तक हम लोग काफी कुछ नहीं सीखे हैं, ठीक है, तो मन में नाटिस में ऐसा मत लाना कि हम लोग सीख चुके हैं, अभी काफी कुछ सीखना है। sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो भैया sec स्क्वायर x का हम जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता, sec का रिलेशन tan से होता, तो sec स्क्वायर x का tan x हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस, cosec स्क्वायर x का क्या होगा, cosec स्क्वायर x का, cosec का रिलेशन cot से होता, तो यहां पर cosec स्क्वायर x का रिलेशन मतलब इंटीग्रेशन cot x हो जाएगा, लेकिन समस्या ये यहां पर, यहां पर सी आ चुका है, मतलब यहां माइनस आएगा, देख रहे हो जी दया क्या क्या हाल चाल हो रहा है, माइनस प्लस का कंफ्यूज नहीं करना, सी दिखेगा आंसर में माइनस लगा देना है बस, और कुछ ना करना है, कितना आसान है। अब देखो प्लस माइनस आपस में मिल जाएगा, मेल मिलाप होगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पर cot x का cot x प्लस सी, काम तमाम हो गया। अगेन भैया जी इतना आसान आसान है, क्या कहें हम, कुछ ना कर सकते, कुछ करना भी नहीं है आपको। हाँ जी बस बनाते चलना, एक और टर्म जोड़, अभी दो टर्म से परेशान हो गए थे ना, एक और टर्म जोड़ लेते हैं। भैया जी मेरे साथ ही आपको क्यों मजाक करना होता है, मतलब मजाक क्या, हमें बनाने दे रहा हूँ, बनाओ ना। देखो पहली बात x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, भैया पावर में दो है, इसका मतलब सिर्फ एक जुटेगा, यहाँ पर x दो में एक जोड़ो और जो पावर है उसे डिवाइड कर दो, फिर प्लस का प्लस लिखो। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या पढ़े हैं, sec का संबंध tan से था, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, tan x क्या यहाँ पर c है, माइनस नहीं लगेगा, वाओ बहुत अच्छी बात, कि माइनस का माइनस, साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, भैया साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है, लेकिन समस्या यहाँ पर ये है, यहाँ पर सी आ चुका है, सी मतलब माइनस यहाँ आएगा, सी ठीक 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 ठीक, प्लस सी अंतिम में प्लस सी लगा देना। अब जो क्या इसका समस्याएं सॉल्व कर लेनी है, पावर जुटेगा, तीन हो गया बटे तीन हो गया, प्लस टेन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी बन गया, काम थमा हो गया। चलो चलते हैं आगे, इतना आसान आसान है ना, मत बोलो क्यों इंटीग्रेशन भारी लगता है आप लोगों को, समझ में नहीं आता, थोड़ा समय और देता ना। हाँ जी तो मजे से पढ़ते, थोड़ा और डीप में जाते, लेकिन ऊपर ऊपर निकलना पड़ रहा है, कोई बात जैसी मतलब जैसा समय रहता है ना, वो समस्या ढल जाना चाहिए। हाँ जी चल, इंटीग्रेशन ऑफ
a पर पावर x माइनस साइन x प्लस कोसेक स्क्वायर x dx। देखो a पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता, मुझे पता है भैया a पर पावर x है ना, इसमें हम लोग log a से भाग लगाते हैं, भाग लगा दिए, फिर माइनस का माइनस दे दिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता भैया, कॉस एक्स होता, लेकिन समस्याएं ये है यहां पर सी से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यहां एक और माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा जब दो को माइनस आ गया, एक माइनस को घेर देना, ठीक। अगेन प्लस है यहां पर, यहां प्लस हो गया। कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन भैया, कोसेक स्क्वायर एक्स का मुझे पता है भैया कॉस, कोसेक का संबंध कॉट से है, इसका मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स का कॉट एक्स हो जाएगा, लेकिन भैया समस्याएं ये है यहां पर सी आ गया मतलब माइनस आ जाएगा, ठीक, प्लस सी, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं किया जी। अब ब्रैकेट का काम तमाम कर देना है, तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर कॉस एक्स हो गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर कॉट एक्स हो गया, प्लस सी हो गया, चलो हो गया काम तमाम। हाँ आगे चले, आगे चले, चलिए भैया जी, इसमें कौन सी बात है। अब हम लोग बनाने के लेंगे, अब यहां से आप प्रैक्टिस करोगे, बस भैया प्रैक्टिस ही करना है ना, और क्या, और कुछ ना करना, ठीक है, चलो प्रैक्टिस करो। यहां पर पावर में वन बाई टू है, इसमें एक जोड़ना है और जो ऊपर में बचेगा मतलब जो ऊपर में पावर होगा उसे डिवाइड कर देना है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। दो दो चार दो छठ सारे क्वेश्चन को आप बना डालो, बस बना डालो, हलवा है, बिल्कुल हलवा है, सब बनेगा आपसे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि नहीं बनने वाला, सारा बनने वाला है, बनेगा सारा। इसके बाद दो चार क्वेश्चन और देखेंगे, कितना टाइम हुआ जो, अरे रे रे रे, हाँ दो चार क्वेश्चन इस पर और देख के तब ही सेशन को क्लोज करेंगे आज, आज का लेक्चर अभी थोड़ा सा और चलेगा, दस पांच मिनट, दस पांच मिनट, हाँ दस मिनट और, ठीक, चल हाँ मिटा दे इसको, जल्दी बताओ मिटा या ना मिटा, जल्दी जल्दी। भैया जी अभी हम लोग साइन का सीखे, कॉस का सीखे, बचा हुआ है टेन कॉस कोसेक सेक, बचा हुआ है उधर, फिर इधर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, फिर हम कॉट स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स सीख लिए, मतलब इतना इतना बचा हुआ भैया, मतलब आज तो कंप्लीट ना होगा, हम हुए क्या बिजनेस माइंडेड, मुझे पता है आप कहां तक कंप्लीट कर सकते हो, मतलब आप मुझसे ये बोलोगे, अरे कान लाल कर देना फिर, चलो फिर बना इसको, बन गया होगा क्या, आप क्या बनाना है चलिए बताओ। भैया जी अभी आप साइंस सिखा दिए, कॉस सिखा दिए, हाँ, और कोसेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स सिखा दिए, बचा हुआ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, अभी वो सब नहीं सिखाना भैया जी, क्यों नहीं सिखाना चाहते आप लोगों को बताइए, रो देंगे, रोना नहीं, रोना नहीं, थोड़ा ये सब अब जो बचा हुआ है ना ये आठों अब कल सीखेंगे। अभी भैया कॉस सिखाइएगा, अभी कुछ ना सिखाएंगे, छोटा सा चीज सिखाएंगे बस, क्या क्या छोटा चीज भैया जी, मेहनत करना फॉर्मूला को लेकर, बस और कुछ ना सिखाएंगे। अभी तक हम लोग सीखे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स प्लस सी, बट यहाँ पे सी है तो माइनस लग जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, फिर कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ डीएक्स कौन देगा, हम देंगे, तब कौन दीजिएगा, आप ही दीजिएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी। भैया जी इस चार को सीखे मजा आ गया, दिल बाग बाग हो गया, अब लगता है कहा कि इंटीग्रेशन सब हलवा चीज है, हलवा है बस मेहनत चाहिए, मैंने कहा ना डिफरेंशिएट अगर आसान है तो इंटीग्रेशन और आसान लगेगा, लेकिन डिफरेंशिएट में टफ, मतलब अगर डिफरेंशिएट मेहनत नहीं की होगी ना तो यहाँ आकर के आपको परेशानी होगी, याद रखना इस बात को, फॉर्मूला याद है तो बनेगा,
डिफरेंशिएट याद है तो बनेगा, सब कुछ आपका फॉर्मूले पर डिपेंड करता है, डिफरेंशिएट पर डिपेंड करता है। डिफरेंशिएट अच्छे से समझ में आ रहा था तो इंटीग्रेशन समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा था तो भैया जी क्या ध्यान दो। अब हम लोग क्या करने वाले भैया जी, हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना करेंगे, सब कुछ हो गया। अब हम लोग जो है अब मुझे बताओगे डिफरेंशिएट ऑफ, बस दो फॉर्मूला और सीखेंगे फिर छोड़ देंगे आज, सिर्फ दो फॉर्मूला। sec x का डिफरेंशिएट क्या होगा, मैंने बताया ना, जरा डिफरेंशिएट अच्छे से क्लियर है तो इंटीग्रेशन हलवा लगेगा। sec x का डिफरेंशिएट क्या होता है और cosec x का डिफरेंशिएट क्या होता है, जल्दी बताओ। हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएट में जिसके फर्स्ट में अगर c रहेगा, जिसके फर्स्ट में c रहेगा उसमें माइनस लगेगा, इस बात को दिमाग में रखना। इंटीग्रेशन में इधर जिसमें c रहेगा उसमें माइनस लगेगा, ठीक है। चलो चलें आगे। sec x का डिफरेंशिएट होता है sec x * tan x, बहुत अच्छा। इसमें cosec x का इंटीग्रेशन, cosec x का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस cosec x * cot x। यहां माइनस भी लगा क्योंकि यहां c आ, मतलब सॉरी यहां पर c आ गया इसलिए यहां माइनस लगा, बस इसको दिमाग में रखना है। चलो अब भैया क्या करना है, हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन आपस में उल्टा पुल्टा होता, मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x * tan x इक्वल टू क्या हो गया, ये sec x हो गया प्लस c, मतलब sec x * tan x, तो ये रिजल्ट आएगा। अगर इंटीग्रेशन ऑफ cosec x * cot x रहेगा तब क्या होगा, cosec x * cot x, तो ये रिजल्ट आएगा माइनस cosec x प्लस c। माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहां पर माइनस, मतलब यहां पर c आया हुआ था, जब सी मिलने जुलने आएगा ना तो माइनस से स्वागत करना है उसका, ठीक, प्लस सी अच्छे से लिख। चलो जी बस इस दोनों फॉर्मूले को अच्छे से दिमाग में रखो, और वो आठ फॉर्मूला बचा हुआ है उसको अगले क्लास में करेंगे, इस पर दो तीन क्वेश्चन बनाएंगे, बस आज के लिए इतना ही, बस हो गया। चलो इसको मिटा दे, हाँ भैया मिटा दे। अब देखिए अब तो और मजा आएगा बनाने में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना कि दिल बाग बाग हो जाएगा आपका। डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स माइनस सेक एक्स, इसका हमको बनाना है तो बना, एक काम करें ये तो हलवा हलवा क्वेश्चन, जैसे इसके बाद भारी क्वेश्चन देंगे, ठीक है। इसमें डायरेक्ट आपको दिख जाता है कि साइन एक्स का ये डिफरेंशिएट क्यों कर रहा है, इंटीग्रेशन करेंगे। हाँ जी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया जी, माइनस कॉस एक्स होगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ सी लगा हुआ था इसलिए माइनस आया, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए। sec x * tan x का इंटीग्रेशन क्या होता, ये पहला टर्म होता है sec x होता है इंटीग्रेशन, तो sec x हो गया, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, और अच्छी बात है, फिर प्लस सी बन गया। इतना आसानी से बनेगा मेरे जाते हुए, नो ऐसा ना, चलो पहले एक क्वेश्चन और आसान ले लेते, उसके बाद हम लोग अपने रौद्र रूप में आएंगे। cosec x * cot x माइनस sec स्क्वायर x, ठीक ठीक ठीक, हाँ जी ठीक, भैया जी अभी तक तो याद नहीं किया ठीक से, और आप बार बार फॉर्मूला पूछ रहे हो, फॉर्मूला पूछ रहे हो कैसे काम चलेगा, तो cosec x * cot x इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भैया जी, माइनस cosec x होता है, बोल रहे क्या, cosec x * cot x माइनस cosec x होता है, हाँ जी ये तो हो गया, माइनस का माइनस यहाँ लिखेंगे। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, sec का संबंध tan से है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो गया, यहाँ पर c नहीं है तो कुछ नहीं होगा प्लस c, हमेशा ध्यान में रखना आगे में c ना आ जाए, c ना जाए कहीं, c ना जाए, हाँ बस काम तमाम, अभी तो एक लाइन में हो रहा है। हाँ भैया जी, मतलब दो पल का खुशी मुझे आप लेने नहीं दोगे भैया जी, अब आप पहले दो तीन क्वेश्चन करवा ही दीजिए अपने मन को संतुष्ट, मतलब आप भारी भारी क्वेश्चन दे करके आप भी चैन पा लीजिए। हाँ जी बोल लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x प्लस sec x, चलिए इसको बनाइए। तो भैया यहाँ पर तो का मल्टीप्लाई आ गया, अब क्या करें, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई तो है लेकिन इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको u इंटू वी के फॉर्म में नहीं लेना है, जब ऐसा नहीं होगा ना, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद भी इंटीग्रेशन नहीं होगा तब वहां u इंटू वी का फॉर्म आएगा। यहाँ देखते हैं क्या पता मल्टीप्लाई करने के बाद वो फॉर्मूले पर आ जाए तो आराम से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो sec x और tan x इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा sec x * tan x, फिर प्लस का प्लस, फिर sec x * sec x, sec स्क्वायर x यहाँ पर dx हो गया। अब देखो sec x * tan x क्या होगा भैया जी, sec x * tan x कहा गया, sec x * tan x यहाँ है ना, तो आगे वाला टर्म होता sec x का इंटीग्रेशन होता, तो sec x * tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा sec x हो जाएगा, तो sec x बस हो गया,
अगेन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ प्लस का प्लस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, भैया जी हाँ बोलिए ना, यहाँ पर होगा क्या होगा tan x हो जाएगा, अगेन प्लस बन गया, भैया जी कहाँ भाई दिए, तीन लाइन का तो था। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे इस पर, तीन चार क्वेश्चन, आप बनाओ, मैं नहीं बनाने वाला क्या लगा ऐसा लगा मेरा मजा, मैं नहीं, आप बनाओगे ठीक है। मिटाते मिटाते हमारी सारी मेहनत यहीं पर निकल जाती है, जाती है, मिटाते मिटाते। चलिए पहला क्वेश्चन आप बनाओगे, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x माइनस cosec x dx। सेकेंड क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ काम करे, हाँ वो काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा नहीं तो भाई नहीं जाना, दे दें क्या हो दे, आप भी परेशान हो जाओगे, ठीक छोड़ देते हैं। साइन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, बस ज्यादा परेशान नहीं करना ना, दोनों आपका बेस मजबूत करेगा इंटीग्रेशन, अगर नहीं जानते हो तो अच्छे से बारीकी से जो मैं कह रहा हूँ कि इसको बनाना है, जिसको बनाना है बस बनाना है, समझ रहे हो। चलो इतना सा काम कंप्लीट करो, अगला लेक्चर में हम लोग बचा हुआ आठ है उसमें से कोशिश करेंगे आठों का आठों कर लेने का, अगर नहीं हो पाएगा हो जाएगा, सब कुछ मेरे हवाले छोड़ दो, अगर आप मुझे लगेगा ना कि आपको समझ में आ रहा है, आते चलेगा वहां तक क्लास जाएगी, मुझे अब लग रहा है इसके आगे तरीक हो जाएंगे ना तो खोपड़िया से बाहर जाने लगेगा आपका बताया हुआ चीज, तो इसको समझना है, इसको कंप्लीट करना है, अच्छे ढंग से कंप्लीट करना है इसको। चलिए जी, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, ला 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 ला।